मैं हूं आपकी प्यारी लाली और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस YouTube के चैनल लाली की थाली में। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूं जो कि है जलेबी। तो आइए सीखते हैं जलेबी बनाना। हमें चाहिए चीनी, पानी, मैदा, इनो और देसी घी। अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए ले ली है मैंने एक कप चीनी। एक कप चीनी में डालेंगे हम करीबन एक कप पानी और इसको धीमी आंच में घुलने तक और गाढ़ी होने तक पकाएंगे। इसमें एक तार वाली हमको कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमको एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। केवल चीनी पानी में घुल जाए अच्छे से और थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाए, क्योंकि चाशनी अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर जलेबी में नहीं घुसेगी। स्वाद के लिए, थोड़े से फ्लेवर और रंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया है केसर। अगर आपके पास केसर नहीं है आप फूड कलर डाल सकते हो दो बूंदें, और अगर आपके पास फूड कलर भी नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और आप अगर आपको कोई फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। इसको घुमाइए अच्छे से। ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है हमको। ये देखिए थोड़ी सी चिपचिपी टाइप की हो गई है। अब हम जलेबी के लिए घोल लेते हैं मैदा। ले लिया है मैंने एक कप मैदा। आप कोई भी नाप ले सकते हो, एक कटोरी ले सकते हो, एक ग्लास ले सकते हो। इसमें डाल दिया मैंने एक चम्मच देसी घी और थोड़ा सा बैटर को फ्लफी बनाने के लिए मैंने डाल दिया है इसमें एक जो रेगुलर इनो आता है उसका एक पैकेट। इन तीनों को अच्छे से मिलाएंगे। ये इनो बहुत अच्छा सा कुरकुरापन देगा इस जलेबी को। और अच्छे से तीनों को मिलाने के बाद, जैसे हम मोयन के लिए मिलाते हैं आटे में चिकनापन, उसी तरह इसको मिलाना है घी को। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमको इसमें पानी डालना है। एक साथ इकट्ठा मत डालिएगा, क्योंकि बैटर अगर गीला हो गया तो जलेबी को आप अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे, जलेबियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ अच्छे से। इसको एक हल्का सा लंप फ्री बैटर बनाना है, इसमें कोई भी गांठें ना रहें। ये देखिए एकदम स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो गया है, ना ज़्यादा। अब मैंने अपनी जलेबी का मिक्स इस बोतल में डालूंगी। आप पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने पैन रख दिया है और फ्लेम कर दी है पूरी तरह हाई। हाई फ्लेम में जलेबियाँ देखिए एकदम उठ के आ रही हैं। गोल गोल मैं इनको डाल रही हूँ। आराम से आप डालिए इनको, गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये देखिए धीरे धीरे इनको पलटिए और तेज़ आंच पर ही इनको सेकिएगा, ताकि जलेबियाँ हमारी अच्छे से फूली फूली निकलें, तभी इसमें अच्छे से रस भर पाएगा। अगर आपने धीमी आंच पर जलेबियाँ डाली तो वो चपटी हो जाएंगी और उसमें रस नहीं भर पाएगा। अब मैं चाशनी में डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इनको डुबा के रखूंगी, ताकि रस पूरी तरह अंदर अच्छे से भर जाए जलेबियों में। अब जो जलेबियाँ मैंने डुबा के रखी थी वो अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी सुंदर रसीली जलेबियाँ थी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि धीमी आंच पे जलेबियाँ बिल्कुल मत तलिएगा, नहीं तो रिज़ल्ट ये होगा। देखिए जलेबी कितनी चपटी हैं, इनमें चाशनी बिल्कुल भी नहीं भर पाई है और ये खाने में भी काफ़ी कड़क हो जाती हैं। अब मैं आपको दोनों जलेबियाँ बना के दिखाऊंगी। देखिए दोनों में अंतर, ये गोल गोल हैं, इसके अंदर रस भी अच्छे से भरा हुआ है और ये है चपटी। देखिए दोनों में कितना अंतर है। तो कोशिश करके धीमी आंच पे नहीं तेज आंच पे पकाइएगा। तो मेरी जलेबी की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल लाली की थाली को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।